जहां एक ओर सूबे की खट्टर सरकार प्रदेश के सरकारी स्कूलों में दाखिले बढ़ाने की तमाम कोशिशें कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर सरकारी स्कूलों की जर्जर हालत व असुरक्षित इमारतें चिंताएं बढ़ा रही हैं। बताया जा रहा है कि अंबाला क्षेत्र के लगभग 87 स्कूलों के 243 ऐसे कमरे हैं जिनकी हालत काफी समय से जर्जर है। हालांकि ये कमरे शिक्षा विभाग के रिकॉर्ड में अनसेफ हैं, लेकिन इनको अभी तक कंडम नहीं घोषित किया गया। ऐसे में स्कूल में हादसा होने का भी डर बना रहता है और छात्र भी डर के साए में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। हाल ही में बरसात होने के बाद अंबाला के शाहपुर स्थित सरकारी स्कूल की एक इमारत का लेंटर भी गिर गया था। गनीमत ये रही कि ये घटना रात के समय हुई, अगर लेंटर दिन में गिरता तो बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि बच्चों की क्लास इसी जगह पर लगती थी। जिसके बाद अब अंबाला शिक्षा विभाग हरकत में आया और इन सभी कमरों को कंडम घोषित करवाने की कार्रवाई में लगा हुआ है। तीन कमरे अनसेफ हैं, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोला में। पिछले 9 सालों से इसमें बच्चे हमने नहीं बिठाए हैं, इनको बंद किया गया है। विभाग को सूचित कर दिया था 2019 में, PWD से जेई साहब के साथ कुछ लोग टीम सहित निरीक्षण करने आए थे, लेकिन अभी कमरों को कंडम घोषित करके डिसमेंटल करने की कार्रवाई नहीं हुई है। बच्चे के लिए टोटली कमरे पिछले 9 साल से बंद हैं, ये 9 साल से इसमें बच्चे नहीं बैठे। बच्चों के बैठने के लिए हमारे स्कूल में पर्याप्त कमरे हैं, वैसे उधर जाने की इजाज़त नहीं, कोई इजाज़त नहीं है उधर जाने की, लॉक कर रखे हैं, बिल्कुल लॉक कर रखे हैं जी। कंडम नहीं अभी घोषित हुए, वो एक लिस्ट बनाई है और उनको जो है कमेटी जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल की, उसके सामने पुटअप किया जाएगा। असेसमेंट वैल्यूएशन जो उसकी है, इंस्पेक्शन के बाद ही पता चलेगा भी उनमें से कितने कमरे जो हैं वो अनसेफ हैं। जैसा कमेटी सर्टिफिकेट देगी वो अनसेफ होगा। शाहपुर का मामला हमने बना दिया, उसकी पहले मेजर रिपेयर वर्क की भी एक डिमांड जा चुकी है डायरेक्टोरेट में 20 लाख की, लेकिन उसका केस हमने कंडमेशन का भी बना दिया, क्योंकि वो जो बिल्डिंग है वो 1962 की बनी हुई है, आउटडेटेड है, लेकिन वो बिल्डिंग बंद थी बिल्कुल और बच्चे वहाँ नहीं जा पा रहे, ना बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं, वो बिल्कुल आइसोलेट है बिल्डिंग। मेरे रिकॉर्ड में अलग अलग हैं, एलिमेंट्री के अलग हैं और सेकेंडरी के अलग हैं, कम से कम भी 38 स्कूलों में है सीनियर सेकेंडरी में, और 50 जो स्कूल हैं वो एलिमेंट्री साइड में है। वहीं अंबाला ब्लॉक 2 के गांव कावला स्थित सरकारी स्कूल में एक ऐसी बिल्डिंग है जो पिछले 9 सालों से बंद हुई है। स्कूल के अध्यापक ने बताया कि जर्जर तीनों कमरों के बारे में विभागों को सूचित किया हुआ है और 2019 में PWD के अधिकारी बिल्डिंग का दौरा करने आए हैं, लेकिन अभी तक कमरों को कंडम घोषित कर गिराया नहीं गया है। उधर जिला शिक्षा अधिकारी का कहना था कि हमने जर्जर कमरों की लिस्ट बनाई है जिसको जिला स्तरीय कमेटी के सामने पेश किया जाएगा और इंस्पेक्शन करने के बाद ही कमरों को कंडम घोषित करने का निर्णय लिया जाएगा। अब देखना ये होगा कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए जर्जर कमरों को कब कंडम घोषित किया जाता है। अंबाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।